अगर आप Realme 6 Pro एंड Realme X2 के बीच में कन्फ्यूज हो कि कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए, तो आप लोगों को बता दूं कि मैंने दोनों स्मार्टफोन के बीच में कुछ कंपैरिजन वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लाइक चार्जिंग टेस्ट, बैटरी ड्रेन टेस्ट। गाइज, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं दोनों स्मार्टफोन के बीच में एक स्पीड टेस्ट, साथ में दोनों स्मार्टफोन का रैम मैनेजमेंट, डिस्प्ले का सैंपल भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। एक नया फोन परचेस करते वक्त अगर कैमरा, बिल्ड क्वालिटी, प्रोसेसर के साथ साथ डिस्प्ले आपके लिए मैटर करता है ना, तो Realme X2 आपके लिए है। Realme X2 का डिस्प्ले काफ़ी सुंदर है, आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा X2 में, साथ में आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का मजा ले सकते हो। वी एंगल काफ़ी कमाल का है, आउटडोर विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा Realme X2 में। दूसरी तरफ Realme 6 Pro में भी एक बड़ा एडवांटेज है, 90 हर्ट्ज वाला अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले, जो कि आपको Realme X2 में देखने को नहीं मिलेगा। गाइस, दोनों स्मार्टफोन का ब्राइटनेस लेवल मैंने 60% कर दिया है, एंड आप देख सकते हो कि एंगल से मैं दोनों का डिस्प्ले आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैंने दोनों स्मार्टफोन का ब्राइटनेस लेवल फुल कर दिया है। गाइस, ब्राइटनेस लेवल को फुल करने के बाद Realme 6 Pro का डिस्प्ले सुंदर लगता है, कलर्स थोड़े से पंची है अगर Realme X2 से कंपेयर करें तो, Realme X2 का थोड़ा सा नेचुरल साइड पे है। अब बारी है स्पीड टेस्ट की, तो एक तरफ है स्नैपड्रैगन 720G Realme 6 Pro में और दूसरी तरफ Realme X2 में आपको देखने को मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 730G। गाइस, बात करूँ दोनों के रैम की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 6GB रैम देखने को मिल जाएगा, Realme UI Android 10 based OS देखने को मिल जाएगा दोनों ही स्मार्टफोन में। गेम स्पेस से मैंने सारे ऐप्स को रिमूव कर दिया है और दोनों ही स्मार्टफोन को सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लिया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गो। तो गाइस, दोनों ही काफी क्लोज था, लेकिन Realme 6 Pro ने PUBG पहले ओपन किया। ओके, तो एक पॉइंट के साथ आगे है Realme 6 Pro। अब दूसरा ऐप, गो। सिक्स प्रो यानी स्नैपड्रैगन 720G दो पॉइंट के साथ लीड लेते हुए, गो। वाओ, अगेन, तो 3-0 के साथ आगे सिक्स प्रो यानी 720G, गो। बहुत क्लोज था, मैं स्लो मोशन में दिखा देता हूं। Go. Guys, ये भी काफी क्लोज था। Go. तो guys, अगेन Realme 6 Pro 4-0 के साथ आगे, दो ऐप जो था वो इतना क्लोज था कि मुझे बाद में वो स्लो मोशन में देखना पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल जो चार गेम्स थे वो चारों गेम्स Realme 6 Pro ने पहले ओपन किया। गो, अगेन 6 Pro, गो। सिक्स प्रो अगेन, पांच गेम्स में पांचों गेम्स Realme 6 Pro ने पहले ओपन किया, दो ऐप्स Realme X2 ने और दो ऐप्स Realme 6 Pro ने। तो गाइस, ऐप ओपनिंग स्पीड की बात करूं तो Realme 6 Pro यहां पे सिंपली विनर है। अब देखते हैं दोनों स्मार्टफोन में आपको रैम मैनेजमेंट कैसा देखने को मिलता है। Thank you.
तो बात करूँ अगर रैम मैनेजमेंट की तो दोनों ही स्मार्टफोन आपको काफ़ी इंप्रेसिव लगेगा। 10 ऐप्स को बहुत ही आसानी से दोनों ही स्मार्टफोन ने हैंडल कर लिया। एंड ऐप ओपनिंग स्पीड की बात करूँ तो Realme 6 Pro यहाँ पे विनर है। अब मैं आपको दोनों स्मार्टफोन का बेंचमार्क स्कोर दिखा देता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और फ्यूचर में ऐसे वीडियोज़ देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।